नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। साथियों, हम सभी अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में हमने पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया है। उसी श्रृंखला में आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तथा परीक्षा में ये किस प्रकार से पूछे गए हैं ये भी देखा जाएगा। तो जो साथी शिक्षा साथ विषय से संबंधित हैं उनके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए उपयोगी है। साथ में ये भी समझ के चलिए कि भले इस पर लेक्चर इस समय क्वेश्चन आंसर सीरीज के ही आ रहे हैं, लेकिन आगे इसमें आपको कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा, शिक्षा साथ विषय का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ और बातें हैं जो आपसे चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी एक लंबे इंतजार में बैठे हैं कि कब पीजीटी एजुकेशन के एग्जाम या पीजीटी के एग्जाम स्टार्ट हों, या हम इंतजार में बैठे हैं कि कब हायर के एग्जाम स्टार्ट हों, और इंतजार में हम बैठे हैं कि कब सुपर टेट के एग्जाम स्टार्ट हों। तो साथियों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये सभी एग्जाम एक नए आयोग के माध्यम से होने वाले हैं, एक नए आयोग के माध्यम से होने वाले हैं जिस आयोग के गठन के संबंध में बैठक आज या कल में होने वाली थी। साथ के आप ये भी बात समझिए कि चुनाव से संबंधित लगभग सभी परीक्षाएं हमारे उत्तर प्रदेश में रहती ही हैं, तो चुनाव से पहले ये एग्जाम हो जाने हैं। तो इसी बात को ध्यान में अगर रखा जाए कि आज वर्तमान में जुलाई चल रही है और सितंबर के बाद से, ये मान के चलिए अगस्त के बाद से ही एग्जाम्स की डेट हो सकता आना प्रारंभ हो जाए, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर दीजिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक प्रयास करने के दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ कि जो साथी पीजीटी एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं साथ में आकर के, यहाँ पर एक एक पेड बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 7 अगस्त से। 7 अगस्त से एक पेड बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग इसकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन लगभग अभी मेरी जो प्लानिंग है उसके आधार पर मैं शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में हम लोग एक लेक्चर पढ़ेंगे। हफ्ते में चार दिन पढ़ेंगे पीजीटी एजुकेशन के लिए। 7 अगस्त से हम सभी ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं और इस पर 6 अगस्त से बैच क्लोज कर दूंगा, क्योंकि जो साथी साथ में एक बार जुड़ेंगे उनको परीक्षा के एक दिन पहले तक की पूरी तैयारी हम लोग, परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले तक की पूरी तैयारी मजबूती के साथ हम लोग करते रहेंगे। पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, इसमें पूरा सिलेबस कवर कराने की दिशा में काम होगा। और आप ये मान के चलिए कि 125 नंबर का पूरा मटेरियल हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, बाकी आपकी किस्मत आपकी मेहनत। सुपर टेट के भी दिशा में, चूंकि सुपर टेट में कई सारे विषय पूछे जाते हैं, मेरा विषय जो संबंधित है वो आपके 3 यूनिट से रिलेटेड है, बाल विकास से, शिक्षण अधिगम से, और आपका व्यावसायिक निर्देशन एवं जो आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन का जो पार्ट है, वो जो 30 नंबर का पार्ट है वो उस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। जो भी साथी इसके इच्छुक हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। ये बैच भी लगभग 7 से 10 अगस्त के बीच में प्रारंभ होने की स्थिति में है। और मोस्ट अवेटेड जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं हायर की तैयारी करने में, क्योंकि हायर की तैयारी का मैं अभी आपसे कमिटमेंट तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, हायर के टॉपिक को पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। तो अगर आप सभी साथ में मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो एक बैच हम लोग हायर का भी तैयार कर सकते हैं और अपने सिलेबस को एक बार पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, और जो 10 यूनिट हैं उन सबको और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व करते हुए, तथ्यों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक दिशा है जिसको हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं
और कॉल कर सकते हैं अगर समय रहेगा तो। मैं जैसा भी उचित समय रहेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो ये कुछ तैयारियां हैं जिसमें आप सभी अगर साथ आना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है कि किस शैक्षिक विचारक ने निम्न विचार दिए हैं कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता परंतु सब कुछ सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो परिभाषा किसकी है? अरविंद की है, टैगोर की है, विवेकानंद की है या राधा कृष्णन की है? तो जो आपकी कंपटीशन की एग्जाम्स की बुक है उनमें तो ये टैगोर दिया है तो उस आधार पर हमें टैगोर मानना पड़ेगा, लेकिन ये बात अरविंद जी ने भी कही है, ये बात अरविंद जी द्वारा भी कही गई है। लेकिन यहाँ पर आप जो टैगोर जी का डेफिनेशन परीक्षा में शायद मानी गई है तो उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षा दर्शन में अनुभव तथा किस शिक्षा दर्शन में अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया जाता है? तो किस शिक्षा दर्शन में हमारा अनुभव और प्रयोग प्रभावी रहता है? प्रयोजनवाद में, आदर्शवाद में, यथार्थवाद में या प्रकृतिवाद में? तो हम जानते हैं कि हमारे जो शिक्षा दर्शन के कई दार्शनिक आधार हैं उनमें से जो प्रयोजनवाद है वह हमारा जो प्रयोजनवाद है वह अनुभव आधारित और प्रयोग पर सत्य को सिद्ध करना चाहता है और तभी उस बात को स्वीकार करने की वकालत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, इसका तात्पर्य क्या है? ये उत्पाद है, संदर्भ है, निवेश है या एक प्रक्रिया है? तो हम सभी जानते हैं शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है। जब कोई तथ्य कार्य के रूप में आ रहा है तो जरूर से वह प्रक्रिया से संबंधित ही होगा। तो यहां पर प्रक्रिया ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? तो देखो यहां पर कंफ्यूजन है, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद। तो यहां पर बात आ रही अच्छे मानव जीवन, ठीक है? अगर यहां पर आ जाता आदर्श मानव जीवन, ठीक, तो किताबों में आपके कई जगहों पर आदर्शवाद दिया है, कई जगहों पर यथार्थवाद दिया है, ठीक है? तो फिलहाल अगर यहाँ पर सही जवाब तो इस प्रश्न का यथार्थवाद होना चाहिए कि शिक्षा, कौन सा शिक्षा दर्शन एक जो आपका सुखपूर्वक, अगर यहाँ पर और अच्छा ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला और चैलेंज होने वाला प्रश्न है, सुखमयी या बहुत जो भौतिक सुख से संपन्न मानव जीवन की ओर जोड़ देता है तो आपका यथार्थवाद होगा, अस्तित्ववाद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके कुछ जगहों पर आदर्शवाद दे दिया गया है, कुछ जगह पर यथार्थवाद दे दिया गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। निम्न में से समाज के आधुनिकीकरण में किसका योगदान सबसे अधिक होता है? तो समाज का जो आधुनिकीकरण है उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, लोगों में रहन सहन के नए तरीके, पाश्चात्यकरण और प्रबुद्ध नागरिकता। तो आपके जो कंपटीशन एग्जाम की बुक है उसमें इसका ऑप्शन सी माना गया है, पाश्चात्यकरण, परंतु आधुनिकीकरण समाज में जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो वह समाज आधुनिकी आधुनिक समाज कहलाता है। पाश्चात्यकरण तो पाश्चात्य सभ्यताओं और को अपनाना हुआ, उनकी संस्कृतियों को अपनाना हुआ, तो पाश्चात्य संस्कृतियों को अपनाकर आप पश्चिम की संस्कृति को अपनाकर आप अपने आप को आधुनिक नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ चीजों में वो पीछे हो। इसलिए हमारा यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि विज्ञान एवं हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण आज हम मॉडर्न हो रहे हैं और हम चीजों को आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हैं। चलिए भाई बात समझ में आ गई। अच्छा प्रश्न है, टैगोर के दर्शन को निम्न से कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण परिलक्षित होता है? तो अपने जो टैगोर साहब हैं उन टैगोर साहब के शिक्षा दर्शन में किन किन शिक्षा दर्शन का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? तो एक तो मिलता है प्रकृतिवाद का, प्राकृतिक संसर्ग द्वारा शिक्षा की बात टैगोर साहब भी कहते हैं, लेकिन इनका जो प्रकृतिवाद है वो रूसो के प्रकृतिवाद से अलग है, क्योंकि हमारे जितने भी भारतीय दार्शनिक रहे हैं वो सभी आदर्शवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ही बात करते हैं। वही एक मूल बात यह है कि जो शिक्षा भावनात्मक रूप से आपको परिपक्व करती है
वह ज्ञानात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है। कोई व्यक्ति आजकल यही आप देखते होंगे कि वृद्धा आश्रम में अधिकतर जो जिनके माता पिता हैं वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही हैं। बहुत कम ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनके बच्चे कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो शिक्षा का एक जो भावनात्मक पक्ष है विकसित करने का, उस पर भी जोर दिया जाता है। हम सिर्फ एक लिटरेचर कमेंटेटर न रहे, हमें उन तथ्यों को भावनात्मक रूप से आत्मसात करने वाले भी होने चाहिए, और हमारे सभी और उसके लिए हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे जितने भी दार्शनिक रहे हैं उन सब का एक पक्ष आध्यात्मिकता का रहा है, आदर्शवाद का रहा है। इसलिए हमारे टैगोर साहब के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ऑप्शन में आपके जहां कहीं भी हो उसे टिक मार दीजिए। क्लियर है, आगे चलिए। प्रश्न आता है कि संरचनावाद एवं सिद्धांत के रूप में, संरचनावाद एवं सिद्धांत के रूप में अनुकरण की भूमिका, संरचनावाद सिद्धांत के रूप में, एवं वाला जो शब्द है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, संरचनावाद सिद्धांत के रूप में क्या करता है? ठीक है, संरचनावाद अनुकरण की भूमिका पर जोर देता है क्या? तो संरचनावाद अधिगमकर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है क्या? सूचना के कंठस्थ करने पर जोर देता है या अध्यापक की प्रभावी भूमिका पर जोर देता है? तो संरचनावाद यह मानता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपने ज्ञान का निर्माण संसारिक परिवेश में रहकर स्वयं करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन अधिगम कर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना करने की भूमिका पर बल देता है हमारा संरचनावाद। अगला प्रश्न है, दर्शन में तर्क क्या का क्या क्या अर्थ है? तर्क रीजन क्यों दिया जाता है? तो रीजन जैसे ही हम बोलते हैं इस शब्द को, तुरंत ही आपके दिमाग में, ठीक है, तुरंत ही आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाता है कि क्या है? विश्वास के लिए प्रमाण केवल शोर करना, सहमत बनाने के लिए मौखिक प्रयास, या व्यक्तियों के बीच एक तथ्यात्मक सहमति। तो तर्क का आधार है एक विश्वास के लिए एक प्रमाण देना। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारा जो विश्वास है, जिस चीज को हम कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इस चीज के पीछे आपको कोई तर्क अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आप कोई प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, कमेंट आ गया, ये कोटेशन आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, और पूछी भी कई बार जा चुकी है। संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। मैंने आपको जब ये विचारक पढ़ाए हैं तो उन विचारकों में यह परिभाषा भी आपको पढ़ाई है। किसकी है? ओटावे की, गांधी जी की, जेएस मिल की, या FW टेलर की? तो इसमें से परिभाषा या गांधी जी की है। निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास पर बल दिया? तो हमारे जितने भी दार्शनिक रहे हैं उनमें, हमारे जो जितने भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं उनमें से कौन ऐसा शिक्षा शास्त्री है जो अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास का ज्यादा समर्थन करता है? स्वामी विवेकानंद जी भी करते हैं वैसे तो, महात्मा गांधी जी भी करते हैं, टैगोर जी करते हैं, या मदन मोहन मालवीय। तो इसमें से जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्ति के विकास का समर्थन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कहता है, शिक्षा की आदर्शवादी विधि में क्या सम्मिलित नहीं है? शिक्षा की आदर्शवादी विधि में क्या सम्मिलित नहीं है? ये शायद पिछली बार PGT के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना, या विचार विमर्श करना? तो ये आरोप लगाया जाता है आदर्शवादी शिक्षा पद्धति पर कि यहाँ पर तथ्यों को प्रयोग करके नहीं सिखाया जाता। लेकिन आदर्शवादी शिक्षा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम लोग अपना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। मैंने आपको सारी चीज़ों को लेक्चर में पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिकता के अगुवा किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है ये। गांधी जी को कहा जाता है, जयपाल सात्रे को कहा जाता है, जॉन डीवी को कहा जाता है, या फिर प्लेटो को कहा जाता है? तो कई बार कई लोग जल्दबाजी में लोकतांत्रिकता के अगुवा के रूप में गांधी जी को चुन सकते हैं, परंतु यहाँ पर शैक्षिक प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिकता के अगुवा को जॉन डीवी को कहा जाता है, या जॉन डीवी को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें।
तो प्रश्न कहता है कि तत्व मीमांसा का क्या तात्पर्य, तत्व मीमांसा का क्या तात्पर्य है। ज्ञान हमारे जो दर्शन के तीन क्षेत्र हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और आपका कौन सा है दूसरा, आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा। ठीक है, मीमांसा का मतलब होता है, मीमांसा का क्या मतलब होता है, मीमांसा का मतलब होता है गहन चिंतन। ठीक है, एक शब्द में समझो, परम सत्य की खोज, संसार की प्रकृति की जानकारी, शाश्वत मूल्यों का अध्ययन या ज्ञान की खोज। तो तत्व मीमांसा का तात्पर्य है परम सत्य की खोज, परम सत्य की खोज तत्व मीमांसा से संबंधित बात है। अधिगम के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी कारक किसे कहा जाता है, अधिगम के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी कारक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या अधिगम वातावरण सेम हो तो शिक्षण विधि एक हो तो स्थानांतरण अच्छा होगा, तर्क शक्ति एक हो या विषय वस्तु एक हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो कंटेंट है, जो कंटेंट है अगर वो सेम है तो अधिगम अच्छा, और एक जैसा है, समान है, समरूप तत्व हैं, तो वहां पर अधिगम स्थानांतरण प्रभावी रूप से हो सकता है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतः दर्शन का तात्पर्य क्या है, अपने व दूसरों के अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना या पूर्वानुमान करना। तो अंतः दर्शन विधि मैंने आपको मनोविज्ञान की एक विधि है, ये क्या है, मनोविज्ञान की एक विधि है। मनोविज्ञान की इस विधि में अंतः दर्शन कहता है कि अपने अंदर देखना। उत्तम चरित्र हेतु सर्वोपयुक्त व्यक्तित्व तो गुण क्या है। अगर उत्तम चरित्र का मतलब यहाँ पर जो आपका एक जिम्मेदार नागरिक कह सकते हो, तो अगर ऐसा कह दूंगा तो आप उत्तर समझे जाएंगे। उत्तरदायित्व तो निर्वहन, उत्तम जीवन शैली, सुग्रहता या उत्कृष्ट सूक्ष्म चिंतन। ठीक, तो अगर आप किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व जो लेते हैं उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, उसे उत्तम चरित्र का एक अच्छा गुण माना जाता है। व्यक्ति की अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही और विश्वसनीय विधि क्या है। तो व्यक्ति के अध्ययन की, या आप कहें कि अध्ययन की सबसे अच्छी विधि तो प्रयोगात्मक विधि को माना जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, अगर यहाँ पर आ जाए व्यक्ति के गहन अध्ययन की, ठीक, तो यहाँ पर ये केस स्टडी भी आ सकता है। ठीक, फिलहाल यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि को ही माना गया है। चलिए, समान तत्व देखिए, आई गया वर्ड मैंने बोला था, समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया या समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया, रॉस द्वारा, वुडवर्ड द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या क्रो एंड क्रो द्वारा। तो समरूप तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही सामान जो अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो जुड महोदय के द्वारा दिया गया है। प्रश्न बढ़िया आया, एरिक्सन ने निम्न का सिद्धांत विकसित किया। ये प्रश्न मैं आपको लेक्चर मतलब क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया है कि एरिक्सन ने नैतिक विकास पर बल दिया, मनोचिकित्सा पर बल दिया या मनोसामाजिक विकास पर बल दिया, या मनोसामाजिक विकास से संबंधित अध्ययन किया या संवेगात्मक बुद्धि पर अध्ययन किया। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास पर अध्ययन किया है, और इनके जो सिद्धांत है उससे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि उपागम। इन्होंने संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन करते हुए व्यक्ति की पहचान और उसके तत्समय की अवस्था को अध्ययन किया है, और वहां पर उन्होंने 10 अवस्थाओं में उसे बांटा है। इसीलिए संपूर्ण जीवन का अध्ययन करने के कारण इस मनोसामाजिक सिद्धांत को जीवनवादी उपागम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो प्रज्ञा की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड है ही है, पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट द वर्नर है ही है। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत ये कहाँ से आ गया, स्पीयरमैन का सिद्धांत है। तो ये फ्रायड, ये जो है, ये मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है वो अचेतन मन की अध्ययन के लिए या दिवस स्वप्न आदि के लिए है। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व का सिद्धांत हो सकता है, मनोविश्लेषणवाद जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत हो सकता है, परंतु बुद्धि का सिद्धांत नहीं कहा जाता। सी आर रोजर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उद्देश्य परक व्यवहार का, बुद्धि का या समीपता का या इनमें से कोई नहीं का। तो कहते हैं कि जो हमारे सी आर रोजर्स साहब हैं, इनके द्वारा इनमें से कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया, और इन्होंने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इन्होंने एक व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उस सिद्धांत का क्या नाम है, उस सिद्धांत का नाम है सांवृतिक सिद्धांत। ठीक, सांवृतिक सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सी आर रोजर्स द्वारा। चलिए,
मानसिक पिछड़ापन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण हो सकता है? मेंटल रिटार्डनेस, या आप जो छात्र मानसिक रूप से पिछड़े हो जाते हैं, अभिभावक की मनोवृत्ति, अच्छा भाई, नशीली दवाओं का सेवन, विद्यालय का वातावरण या शिक्षण विधि। तो इसमें नशीली दवाओं का सेवन कहा गया, अगर बालक ज़्यादा करने लगता है तो वो भी मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। किस अधिगम सिद्धांत में विलोपीकरण की चर्चा की गई है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में, या संज्ञानात्मक विकास में? तो देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हो, और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पैवलाव का है, ठीक। इन दोनों सिद्धांतों में विलोपीकरण की संज्ञा दी गई है। यदि जो आपका बार पुनर इन्होंने पुनर्बलन की बात कही है, इन्होंने पुनर्बलन की बात कही है, इन्होंने पुनर्बलन की बात की है, और इन्होंने साहचर्य की बात कही है, ठीक। तो दोनों में अगर दूरी ज्यादा है, गैप ज्यादा है, ठीक है, देरी ज्यादा है तो विलोप हो जाएगा, ठीक, या नहीं दिया जाएगा, या पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं तो भी विलोप हो जाएगी सीखी गई अनुक्रिया, ठीक है। तो विलोपीकरण का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दोनों से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न कहता है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिए, और जो आपके अवेलेबल कमेंट्स हैं उन्हें भी शेयर जरूर करिए, जिससे ये लगे कि आप लाइव होकर के पढ़ रहे हैं। किशोरों का सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार क्या है? मानसिक तनाव, बुरी संगति, नशीली दवाओं का सेवन, दिवा स्वप्न देखना। देखो, बुरी संगति है बात है, नशीली दवाओं का सेवन भी है, दिवा स्वप्न देखना भी है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो उसका जो मानसिक तनाव है, मेंटल प्रेशर एक हो जाता है, एक क्या करना है आगे, कौन सा व्यवसाय चुनना है, अपनी एक सामाजिक स्वीकृति बनानी है, इन सबको लेकर के बहुत मानसिक झंझावत हम सब ने झेला है। और उसी समय जो किशोर अपने बड़ों के संरक्षण को स्वीकार करते हुए आगे चलते हैं, तो देखिए, ये तो डिफॉल्ट वाली बात है, कई बार जो बड़ों की कही गई बातों को ना नहीं मानता है वो भी अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा कर जाता है, और कई बार जो अपने जो गुरु हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, उनकी बात मानकर आगे चलता है तो एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर किशोरों का सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार जो कहा जाएगा वो मानसिक तनाव को कहा जाएगा। अगला प्रश्न आता है, समस्या हल करने के लिए बालकों की परिकल्पना निर्माण करने में मदद करना किस उम्र की पर ठीक है? 6 से 11, 11 से 14, 15 से अधिक, और 6 वर्ष से कम। देखो, तो ये परिकल्पना निर्माण की जो कॉन्सेप्ट कही गई है वो आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका संवेदी पेशीय सिद्धांत जो कितने हैं, 2 से 7 वर्ष है, ठीक है, और 0 से 2 वर्ष, सॉरी, कौन सा है, 0 से 2 वर्ष है आपका कौन सा, संवेदी पेशीय, और 2 से 7 आपका कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और 7 से 11 जो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और 11 से 14 आपकी कौन सी है, या 15 तक ले जाओ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकता है, ठीक है। तो 11 से 14 वर्ष की आयु में बालक परिकल्पना निर्माण में सक्षम हो सकता है। चलिए, निम्न में कौन बालकों के चिंतन योग्यता के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है? बच्चों में जो थिंकिंग पावर है डेवलप करने के लिए निम्न में से कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं? समस्या समाधान, काल्पनिक अभिव्यक्ति, मानसिक खोज, या अनुभव आधारित संप्रेषण। तो यहाँ पर नहीं की बात कही गई है, नहीं, कोई जो कौन सी चीज आवश्यक नहीं है, तो अनुभव आधारित, जो चीज उसको पता है उस पर नहीं, जो चीज वो नहीं जानता है या जो चीज उसने नहीं देखी है उसके बारे में यदि वो बात कर रहा है तो उससे उसका चिंतन क्षमता अधिक विकसित होगी। प्रश्न कहता है कि बालक की उत्तर बाल्यावस्था की पहचान निम्न में से किस योग्यता से आप करेंगे? ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था हमारी कब के कब से कब तक है, ठीक है, हमारी उत्तर बाल्यावस्था का समय लगभग कितना हो जाता है, हमारा 6 से 12 वर्ष का जो समय है वो हमारा उत्तर बाल्यावस्था का समय हो जाता है। तो गैर तार्किक चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसी से मिलता जुलता आपका 6 से 11 वर्ष है, जिसे हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया था, जिसे हमने क्या नाम दिया था अभी। तो देखो क्या होता है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर बालक के विकास का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिनमें 1-2 साल का अंतर हमें देखने को मिलता है,
ऐसा ही एक आपको एनालिटिकल थिंकिंग दिमाग में बनानी पड़ेगी, कंपैरिजन बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर संवेगात्मक व्यवहार डेवलप हो रहा है, कहाँ किसने उसको संवेगात्मक व्यवहार में उस आयु या उस उम्र को किस नाम से एक्सप्लेन किया है, और किस मनोवैज्ञानिक ने उसी आयु काल को संज्ञानात्मक क्षेत्र में किस नाम से परिभाषित किया है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को हमें कंपेरेटिव देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा कि मूर्त संक्रियात्मक चिंतन करने की जो चीजें सामने उपस्थित हैं उनमें उनको देखकर उनके बारे में अध्ययन कर पाना या सोच पाना ज्यादा आसान होता है इस उम्र में। चलिए निम्न में से भिन्न को बताएं, विस्मरण, प्रत्यास्मरण, प्रतीक विज्ञान या चिन्ह। तो इनमें से ये सभी स्मृति के पार्ट हैं, चिन्ह थोड़ा सा इससे कम संबंधित है। एक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन निम्न से होता है। बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का प्रश्न, एक एक प्रश्न हमेशा इससे आता है, कक्षागत विचार विमर्श, उसके अच्छे परीक्षा परिणाम, या उसके चिंता चित्रांकन, अच्छी कोई ड्राइंग बना रहा है, या उसके सामान्य से हटकर सोचने पर। तो सृजनात्मक क्षमता हम जानते हैं कि थोड़ा सा मौलिक और सामान्य से अलग हटकर कार्य करने की विशेषता को कहा जाता है। देखो एक रामू मिल भी गया सृजनात्मक बालक, तो रामू जो अपना है उसको सृजनात्मक कहा जाएगा। क्यों, कब कहेंगे, जब विश्लेषण पहचान और विभेद कर सकता है, संश्लेषण भविष्यवाणी कर सकता है, सामान्यीकरण कर सकता है, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन कर सकता है, मूल्यांकन विश्लेषण या पहचान कर सकता है। तो सीधे बवाल मत पढ़ो, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन कर सकता है, तब हम अपने रामू को क्या कहेंगे कि ये हमारा रामू जो है वो बहुत अच्छा और सृजनात्मक बालक है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम लोगों ने आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। आने वाले दिनों में हम लोग इसके और पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जो हम लोग अपना बैच के रूप में तैयारी करने की दिशा में है वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर काम होगा। देखते हैं कि उसे यूट्यूब पर चलाएंगे, भी चलाएंगे तो उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो उस बैच में एनरोल्ड होंगे, या फिर हम किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करते रहिए, मैं आपका सदैव सहयोग यथासंभव करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, भारत माता की जय।